लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी से पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में राहुल गांधी की नई टीम बनने जा रही है। सूत्रों के माने तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों को फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पार्टी के संगठन से पद छोड़ना होगा। राहुल गांधी का यह फरमान पार्टी के सभी महासचिवों और सचिवों के लिए है। राहुल ने शकील अहमद, गुरदास कामत और मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी में संगठन का पद छोड़ना होगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और अजय माकन भी संगठन के पद से हटाए जा सकते हैं। ये दोनों भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जयराम रमेश, जयंती नटराजन और गुलाम नबी आजाद को संगठन में अहम पद दिए जा सकते हैं। AICC ऑफिस ब्यूरोस को लिखित में राहुल गांधी की चिट्ठी का जवाब देना होगा। 17 जनवरी को AICC की अहम बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक से पहले तय हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन संगठन में रहेगा। तो हम आपको जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं वो महासचिव पद पर फिलहाल संगठन में तैनात हैं और इनकी कुर्सी संगठन से जा सकती है अगर इन्हें चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि ये राहुल गांधी का नया फरमान है। कौन है वो लोग ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी जोशी फिलहाल महासचिव पद पर हैं, बीके हरिप्रसाद महासचिव पद पर तैनात है, दिग्विजय सिंह, शकील अहमद और गुरदास कामत, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अजय माकन भी इनमें शामिल है जो कि महासचिव पद पर तैनात है। चलिए अब हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो महासचिव और सचिव के पद से अपना पद छोड़ते हैं वो कहां कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके अलावा दिग्विजय सिंह राजगढ़ मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, संजय निरुपम मुंबई उत्तर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, गुरदास कामत मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, मुकुल वासनिक रामटेक महाराष्ट्र से चुनाव लड़ सकते हैं, शकील अहमद मधुबनी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं अजय माकन नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, सीपी जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी की एक नई टीम बननी अब लगभग तय दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता रमन कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रमन, राहुल गांधी का यह नया फरमान कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव, किस तरीके से इसको लिया जाए और किस तरीके से देखा जाए? देखिए, महासचिवों की जो बड़ी फहरिस्त है उसमें कई महासचिव ऐसे हैं जो कि लोकसभा के सांसद हैं और कई महासचिव ऐसे हैं कि जो कि 2009 का चुनाव हार चुके हैं और कई एक आध नाम ऐसे भी हैं जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनमें दिग्विजय सिंह का नाम भी है जो कि जिन्होंने पहले ही कहा था कि वो 2014 का चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर कांग्रेस आलाकमान उनको सहमति देता है तो। इसमें से शकील अहमद और मधुसूदन मिस्त्री 2009 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, जबकि गुरदास कामत से लेकर अजय माकन से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अभी फिलहाल सीपी जोशी भी अभी लोकसभा के सांसद हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने इन तमाम नेताओं को ये कहा है कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2014 का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है और इन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और संगठन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस में अगर देखा जाए राहुल गांधी ने जो फरमान दिया है, रमन, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी मानी जाए, किस रणनीति के तहत ऐसा फरमान राहुल गांधी ने सुना है और इसका जवाब भी तमाम महासचिवों और सचिवों को देना होगा? बिल्कुल, देखिए जी, रणनीति बिल्कुल साफ है कि बहुत सारे सांसद जो कि लोकसभा के सांसद हैं वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लोग दो बाकी जो उनके पास प्रभार है बाकी राज्यों का वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। उसमें से शकील अहमद हैं जो कि 2009 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, मधुसूदन मिस्त्री हैं वो 2009 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तो इन्हें साफ करना पड़ेगा कि क्या वो 2014 का लोकसभा चुनाव फिर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं मधुसूदन मिस्त्री, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है। इसीलिए साफ तौर पर राहुल गांधी का ये मानना है कि जिन जिन महासचिवों को चुनाव लड़ना है उनको ये बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके बदले वो संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी देंगे ताकि वो दूसरे राज्यों पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए। जी रमन, 17 तारीख को AICC की जब बैठक है उसमें उससे पहले ये सब बदलाव तो संभव है, लेकिन क्या लगता है 17 तारीख को जो बैठक है उसमें राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर भी घोषित किया जा सकता है? देखिए, 17 तारीख को कांग्रेस का एक अधिवेशन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की प्रबल संभावना है, लेकिन उसमें जयराम रमेश ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार
17 तारीख से पहले घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बाकी जो एजेंडे हैं वो एजेंडा पे चर्चा नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उसी AICC के अधिवेशन में घोषित किया जाता है। तो क्योंकि जयपुर के अधिवेशन में की का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं जब राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और मीडिया उसी खबरों को दिखाता है और कार्यकर्ता डेलीगेट जो है बाकी मुद्दों पे चर्चा नहीं कर पाते। इसलिए जयराम रमेश ने सुझाव दिया है सोनिया गांधी को। अब सोनिया गांधी को निर्णय लेना है कि 17 तारीख से पहले वो घोषित करते हैं या 17 तारीख के जो अधिवेशन है उसी में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। रमन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को उन महासचिवों के नाम बता दें जिनको अपना पद अब छोड़ना होगा और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लोगों के बीच काम करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ज्यादा जगह समय देना होगा। उनके नाम है अजय माकन जो कि फिलहाल महासचिव पद पर कांग्रेस में तैनात हैं, और दिग्विजय सिंह ये भी महासचिव पद पर हैं, CP जोशी। इन तमाम महासचिवों को अपना पद छोड़ना होगा अगर इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है। BK हरिप्रसाद, शकील अहमद ये वो नाम है जो फिलहाल कांग्रेस में महासचिव पद पर तैनात है, और राहुल गांधी का नया फरमान ये है कि वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन कहां कहां से ये लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। संजय निरुपम मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, गुरुदास कामत मुंबई में ही नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, मुकुल वासनिक रामटेक महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, मधुसूदन मिस्त्री साबरकांठा गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं शकील अहमद मधुबनी के बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।